हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपवाद की। नेक्स्ट वीडियो में हमने क्रोमियम और कॉपर को अपवाद बताया था। हमने कहा था क्रोमियम और कॉपर अपवाद इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपाऊ नियम का पालन नहीं करते। लेकिन ये जो क्रोमियम और कॉपर हैं, जो आपके क्रोमियम कॉपर हैं, ये अपवाद क्यों होते हैं और अपाऊ नियम का पालन क्यों नहीं करते हैं, इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा डिटेल से समझेंगे। एक हमारा एलिमेंट है जिंक, ये अपवाद नहीं है। अब आपका क्रोमियम और कॉपर क्यों अपवाद है, इसको भी हम अच्छी तरह समझेंगे। तो क्रोमियम कॉपर क्या है आपके? अपवाद। ये क्या है? अपवाद। तो क्रोमियम कॉपर हमारे अपवाद है, क्यों है? क्योंकि अपाऊ नियम का पालन नहीं करते। और क्यों नहीं करते, इस बात को भी समझेंगे। और जिंक अपवाद नहीं है, और जिंक क्यों अपवाद नहीं है इसको भी समझेंगे। तो जो आपका क्रोमियम है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 24, और कॉपर का 29, और जिंक का 30। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। इसको होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपका होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अब यहाँ पर बन करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 21 हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन? 24 हैं। तो 4 आएंगे डी पे, तो कितना रहेगा आपका? 3d4। अब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। तो कॉपर के 29 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये क्या है आपका? ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अपवाऊ नियम के अनुसार है कॉपर का, क्रोमियम का। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्रोमियम का, ये भी किसके अनुसार है? अपवाऊ नियम के अनुसार है। लेकिन जो क्रोमियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होता नहीं है, और जो कॉपर है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता नहीं है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है? ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? क्रोमियम का, क्योंकि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना है आपका? 24। अब इसी तरीके से हम कॉपर की बात करें तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका, वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। तो क्रोमियम कॉपर अपवाद इसलिए होते हैं क्योंकि अपवाऊ रूल का पालन नहीं करते, उससे अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाते हैं। लेकिन ये उससे अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों दिखाते हैं, इस बात का हम डिस्कस करेंगे। जिंक का और कर लेते हैं, फिर समझते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। तो ये कितने हो गए पूरे? जिंक के 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अपवाऊ नियम के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, तो ये अपवाद नहीं है। लेकिन जो क्रोमियम है, अपवाऊ नियम में एस में 2 आते, डी में 4 आते, लेकिन इसने अपवाऊ नियम को फॉलो नहीं करा। इन्हें एस में 1 कर लिया, डी में क्या कर लिया? 5। इसको समझने से पहले क्यों नहीं ये पालन करते, एक चीज़ हम समझ लेते हैं। जो हमारे उसको उपकोष होते हैं वो क्या होते हैं? sp(df) होते हैं। एस में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अधिकतम 2 भरे जाते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14।
तो जो एस उपकोष होता है ये क्या उपकोष, तो जो एस उपकोष होता है उसमें एक ऑर्बिटल होता है, क्या होता है एक ऑर्बिटल कक्षक। तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं आपके, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। एरो के द्वारा हम किसको दिखा देते हैं, इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं। ऐसे पी में छह इलेक्ट्रॉन है तो कितने ऑर्बिटल होंगे पी के पास, तीन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जा रहे हैं आपके, दो। डी के पास दस इलेक्ट्रॉन है तो डी उपकोष के पास कितने ऑर्बिटल होंगे आपके, पांच, एक दो तीन चार पांच। ऐसे आपके पास कितने, फोर्टीन इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिटल कितने होंगे डी के पास आपके, सात, एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात। तो जो आपके ऑर्बिटल होते हैं और जो एस ऑर्बिटल, एस उपकोष में कितने ऑर्बिटल है, एक, पी उपकोष में तीन, डी उपकोष में पांच, एफ उपकोष में सात। तो जो आपके एस उपकोष होता है ये दो तरीके से स्थाई होता है। एस उपकोष का जो ऑर्बिटल है आपका ये दो तरीके से स्थाई होगा, या तो ये ऑर्बिटल अर्धपूर्ण हो, या पूर्ण हो। अगर आपका जो ऑर्बिटल है कक्षक है ये अर्धपूर्ण है, आधे भरे हुए हैं, तो क्या स्थाई है, और अगर पूर्ण है यानी पूरा भरा हुआ है तो भी क्या है आपका स्थाई है। जैसे अर्धपूर्ण और पूर्ण, अर्धपूर्ण आधा भरा हुआ, पूर्ण माना पूरा भरा हुआ, कैसे, ये क्या है आपका एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये अर्धपूर्ण है आधा भरा हुआ है, ये भी क्या है आपका स्थाई है, लेकिन अब ये पूर्ण वाला हो गया, जितने इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उतने आ गए। अब मैं क्या कहूँ इनमें से, दोनों में से ज़्यादा स्थाई कौन सा है, तो ज़्यादा स्थाई कौन सा है आपका पूर्ण यानी पूरा भरा हुआ, और कम स्थाई कौन सा है अर्धपूर्ण आधा भरा हुआ। इसी तरीके से मैं पी की बात कर लूँ, पी उपकोष में तीन ऑर्बिटल हैं, मैंने तीन इलेक्ट्रॉन भर दिए, उन भाई कहता पहले एक एक करके भरो, तो ये भरा हुआ है आधा भरा हुआ, तो जो आधा भरा हुआ ऑर्बिटल है ये क्या स्थाई है। अब यहीं पर ही मैंने क्या करा, इसको पूरा भर दिया, ये भी स्थाई है ये भी स्थाई है, लेकिन दोनों में से ज्यादा स्थाई कौन सा है, पूर्ण यानी पूरा भरा हुआ वाला ज्यादा स्थाई है और आधा भरा हुआ कम है। इसी तरीके से आपका डी कक्षक है, इसमें मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो ये क्यों गया अर्धपूर्ण हो गया, आधा भरा हुआ हो गया, ये क्या हो गया स्थाई हो गया। अगर यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन होते तो ये स्थाई नहीं होता, जो पाँच है और एक होता कक्षक आपका इस तरीके से, दो तीन पाँच, एक ऐसा भरा हुआ होता। आपको कहता है कि इन दोनों में से ज़्यादा स्थाई कौन सा है, तो इसमें जो है पाँच इलेक्ट्रॉन भरे हुए अर्धपूर्ण है, इसमें चार भरे हुए हैं, तो जो अर्ध भरा हुआ होता है आधा भरा हुआ होता है वो ज़्यादा स्थाई होता है, और जो आधा भी नहीं भरा हुआ वो कम स्थाई होता है। अब हम इससे भी ज़्यादा स्थाई पाना चाहते हैं तो हमें पूर्ण भरा हुआ चाहिए, तो हमने एक और डी उपकोष के पाँच ऑर्बिटल बना लिए, तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये क्या हो गया आपका पूर्ण, ये डी उपकोष क्या है पूर्ण भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से, तो ये क्या स्थाई है। तो स्थायित्व पाने के लिए उपकोष क्या करते हैं, जो आपका क्रोमियम और कॉपर है ये अपने आप को स्थाई करने के लिए, अपने उपकोषों को स्थाई करने के लिए अभाव नियम का पालन नहीं करते हैं, इसे ही अपवाद कहलाते हैं। अब स्थाई कैसे होते हैं, अगर हमें 4s2 और 3d4 का उपकोष बनाए, ऐसे उपकोष उसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण करें, तो यहाँ पर ऐसे उपकोष, ऐसे में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, एक दो, आगे डी है, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, तो डी में हमने कितने भर दिए, चार इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब आपसे पूछे कि डी स्थाई है कि एस स्थाई है, तो हम कहेंगे एस स्थाई है, क्यों स्थाई है, क्योंकि ये पूर्ण भरा हुआ है,
क्योंकि इसका एस जो कोसेस में इलेक्ट्रॉन जो है पूरे भरे हुए हैं। आपको कहे डी, तो हम कहें डी नहीं है क्योंकि खाली है। लेकिन एस क्या करता है, एस तो खुद तो स्थाई है, एस क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन मैं इसको भी दे देता हूँ, ये भी स्थाई होगा मैं भी स्थाई होऊंगा। तो जो एस वाला होता है वो डी को स्थाई करने के लिए एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और दोनों स्थाई हो जाते हैं, इसलिए ये क्या होता है अपवाद। अब यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉन बने यहाँ से, यहाँ देखिए यहाँ ये दोनों स्थाई कहलाएंगे, एस ऑर्बिटल भी और डी ऑर्बिटल भी। पी वाले तो सभी स्थाई हैं, पी जो पी एस पी इससे पीछे वाले हैं फोर एस से, ये तो सभी स्थाई हैं, सभी क्या है पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। अब ये फोर एस वन है, एस में क्या होता है एक ऑर्बिटल होता है, एक इलेक्ट्रॉन भरा तो ये अर्धपूर्ण हो गया, आधा भरा हुआ, मैंने क्या बताया आधा भरा हुआ क्या होता है स्थाई होता है, तो ये क्या है अर्धपूर्ण। अब ये क्या है आपका 3d5, तो डी में कितने होते हैं आपके पांच, दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, तो ये भी क्या हो गया अर्धपूर्ण हो गया, तो ये भी अर्धपूर्ण ये भी अर्धपूर्ण, अर्धपूर्ण अर्धपूर्ण वाले क्या होते हैं स्थाई होते हैं। तो क्रोमियम के अगर इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम देखते तो केवल जो 4s2 था s वाला था वो स्थाई था, d वाला स्थाई नहीं था। स्थायित्व पाने के लिए अपने उपकोष को स्थाई करने के लिए जो क्रोमियम होता है इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाता है और खुद को अपने आप को अपवाद कर लेता है, बाऊ नियम का पालन नहीं करता और स्थायित्व पा लेता है। इसी तरीके से जो आपका कॉपर है यहाँ पर इसका 4s2 है और यहाँ क्या है 3d9, तो अगर हम इसका 4s2 का देखें, इसके 4s2 का, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया एक नीचे गया, ये क्या है पूल है, तो पूल का मतलब क्या है स्थाई है, एस उपकोष का ऑर्बिटल। अब 3d9 है, इसको आपको पता है पांच ऑर्बिटल होंगे डी के पास, तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, तो ये जो आपका डी है डी के पास नौ इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये ना अर्धपूर्ण है ना पूर्ण है, बीच में अटक गया, तो ये तो पूर्ण इनने के पढ़ कर लिए अपने ऑर्बिटल को पूर्ण के लिए, ये स्थाई हो गया, लेकिन ये स्थाई नहीं है। लेकिन एस वाले को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने कहा मैं भी स्थाई हो जाऊँ ये भी स्थाई हो जाए, तो इसने ये कह रहा अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला 4s1 और 9 की जगह इसके क्या हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो 4s1 करके ये अपने इसने अपने आप को क्या कर लिया, इसने अपने आप को क्या कर लिया अर्धपूर्ण, क्योंकि हमें पता है अर्धपूर्ण भी स्थाई होता है और पूर्ण भी स्थाई होता है, तो इसलिए दोनों ही स्थाई हो गए और इनने भी अपने आप को अपवाद कर लिया। क्यों अपवाद क्यों करा, स्थाई होने के लिए, अपने उपकोष को स्थाई करने के लिए। तो डी में आपको पता है पांच ऑर्बिटल होते हैं, एक दो तीन चार पाँच, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, तो ये क्या हो गया आपका ये अर्धपूर्ण ऑर्बिटल हो गया और अर्धपूर्ण भी आपका क्या होता है स्थाई, और ये क्या हो गया आपका पूर्ण हो गया, पूर्ण भी क्या होता है स्थाई। तो इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि क्रोमियम और कॉपर अपवाद क्यों होते हैं और अब बाऊ नियम का पालन क्यों नहीं करते हैं और सभी एलिमेंट्स से अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग क्यों दिखाते हैं। स्थायित्व होने के लिए, पावर के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए ये क्या करते हैं अब बाऊ नियम का पालन नहीं करते हैं और अपने उपकोष को क्या कर लेते हैं स्थाई कर लेते हैं। अब यही जिंक की बात करते तो जिंक अपवाऊ नियम को क्यों नहीं तोड़ता, क्योंकि ये पहले से ही स्थाई है। एस में कितने हैं दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाएंगे एक ऊपर एक नीचे, ये क्या हो गया पूर्ण, पूर्ण उपकोष हो गया, पूर्ण उपकोष क्या होता है स्थाई होता है। डी में कितने हैं टेन, डी में टेन का मतलब पाँच डिब्बे, पाँच ऑर्बिटल डी में, एक दो तीन चार पाँच। अब डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके दस, तो एक 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 दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये भी पूर्ण उपकोष, ये भी पूर्ण उपकोष, एस वाला भी पूर्ण डी वाला भी पूर्ण, दोनों दोनों पूर्ण हो गए, तो दोनों दोनों पूर्ण हो गए क्या हो गया स्थाई हो गया। तो जिंक पहले से ही स्थाई होता है इसलिए अपवाऊ नियम का पालन करता है, क्योंकि अपवाऊ नियम में रहकर ही अपने आप को स्थाई कर लेता है। लेकिन क्रोमियम कॉपर जब अपवाऊ नियम में रहते हैं अपवाऊ नियम का पालन करते हैं अपने आप को स्थाई नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ये अपवाद हो जाते हैं और नाफरमानी कर देते हैं अपवाऊ नियम की और अपने आप को स्थाई कर लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द
वीडियो।